जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में लोग ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में हम जानेंगे कि इस कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी कब आएगी। यदि आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपका सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि आपके पोर्टफोलियो में यह शेयर रॉकेट कब बनेगा और इस कंपनी का जो शेयर प्राइस ऊपर की तरफ जाते हुए कब दिखाई देगा। एकदम मेन सवाल पर ही इस वीडियो में हमारा पूरा फोकस रहेगा और अंत में यह भी जानेंगे कि क्या अभी सही समय है इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का या एवरेजिंग करने का। हर एक सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में आसान भाषा में देने की कोशिश करूंगा। देखिए अभी इस कंपनी का शेयर प्राइस देखेंगे 14.80 रुपए प्रीसेंट अपना क्लोजिंग दिया है, तकरीबन 5% के आसपास गिरावट के साथ देखेंगे। एक दिन में 5% की गिरावट आपको इसमें देखने को मिला है। अब देखिए एक सप्ताह की बात करें तो एक सप्ताह में तकरीबन 0.67% के आसपास ही टूटा, यानी कि 1% से भी कम की गिरावट पिछले एक सप्ताह में हुई है। लेकिन अब एक एक दिन में इस स्टॉक में जहां 5-5% की गिरावट देखने को मिल रही है तो ये चिंता की बात है। पिछले एक मंथ में देखेंगे, पिछले एक मंथ में तकरीबन 30% का रिटर्न निकाल कर दिया भी है। देखिए ये बात तो सच है कि ब्राइटकॉम ग्रुप ने जबरदस्त कमाई कराई है। जबरदस्त कमाई कराने के बाद अभी तकरीबन साल भर से तो इस कंपनी का शेयर प्राइस नीचे की तरफ ही जाते हुए आपको दिखेगा। पिछले 6 महीने में देख लेते हैं, 6 महीने में तकरीबन 57% के आसपास से स्टॉक टूटा है। ग्राफ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं प्राइस कितना तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है पिछले 6 महीने में। अब यहाँ पर आगे हम लोग ब्राइटकॉम ग्रुप को सबसे पहले चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं कि चार्ट क्या कहता है इस कंपनी का, चार्ट पर तेजी कब बनेगी, उसके बाद आगे की बात हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैंने 1 साल का चार्ट ओपन किया है। 1 साल के चार्ट पर आप देखेंगे कि ये वाला जो लेवल है 30 रुपये के आसपास का लेवल इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था, क्योंकि यहाँ पर देखिए मल्टीपल बार इसने सपोर्ट लिया हुआ है। तीसरी बार जब इसने सपोर्ट लिया यहाँ दिसंबर 2022 में, तो इस सपोर्ट इसने तोड़ते हुए प्राइस नीचे आएगा और नीचे आते आते देखेंगे 20 रुपये का जो लेवल था इसको भी ब्रेक किया और 20 रुपये के लेवल को ब्रेक करके फिर प्राइस 10 रुपये पर आ गया। अब सवाल आपका हो सकता है क्या ये 10 रुपये के लेवल को भी ब्रेक करके प्राइस, ये जो 10 रुपये का इंपॉर्टेंट लेवल इसको भी ब्रेक करके प्राइस और नीचे आएगा। देखिए ऐसा कहना थोड़ा सा मुश्किल है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आपको बताऊंगा। अभी देखिए भी प्राइस 10 रुपये और 20 रुपये के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है, इसी के बीच में घूम रहा है पिछले कुछ दिनों से, और जब इस कंसोलिडेशन से बाहर निकलेगा तो प्राइस यहाँ से सीधे ऊपर जाएगा, यानी कि 20 रुपये को ब्रेक करते हुए ऊपर जाएगा। यहाँ पर कुछ दिनों सस्टेन करेगा तो फिर 30 रुपये के लेवल को भी ब्रेक करते हुए प्राइस ऊपर जाएगा और फिर इस रुपए के लेवल तक आएगा, 40 रुपए के आसपास के लेवल तक। लेकिन ये तभी संभव है जब आने वाले इस कंपनी के जो क्वार्टर फोर का नंबर है, क्वार्टर फोर का नंबर अच्छा है, क्वार्टर फोर के नंबर में कंपनी के सेल्स प्लस जो प्रॉफिट होते हैं दोनों बढ़ते हुए दिखे, तो जाहिर सी बात है कि ये जो 10 और 20 रुपए के बीच में भी इस कंपनी का शेयर प्राइस घूम रहा है, 20 रुपए को ब्रेक करते हुए ऊपर जाएगा। तो आपको मेन फोकस करना है कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट पर। देखिए अभी कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है अभी दिसंबर क्वार्टर तक ही आपको रिजल्ट शो करेगा, यानी कि इसमें अभी मार्च क्वार्टर के नंबर नहीं आया है। मार्च क्वार्टर के नंबर आएंगे तो इसमें और जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। देखिए सेल्स की बात करें तो देखेंगे पिछले कुछ क्वार्टर में कंपनी के सेल्स आपको बढ़ते हुए ही देखेंगे। पिछले तीन चार क्वार्टर में देख लीजिए, लास्ट क्वार्टर में कंपनी को यानी कि दिसंबर क्वार्टर में जबरदस्त आपको सेल्स में बढ़ोतरी होते हुए आपको दिखा है। तो इस वजह से इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट में जबरदस्त आपको बढ़ोतरी होते हुए यहाँ पर दिख सकता है। देखिए नेट प्रॉफिट और ये यदि पिछले कुछ क्वार्टर में देखें तो नेट प्रॉफिट में भी आपको बढ़ोतरी होते हुए दिखेगा। तो ये नेट प्रॉफिट में देखेंगे ये बढ़ोतरी जो हुआ है लास्ट क्वार्टर में दिसंबर क्वार्टर में 544 रुपये का, इसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हुआ है और ये कहीं ना कहीं सेल्स के बढ़ने की वजह से ही कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। तो जब सेल्स बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कमाई बढ़ेगी तो कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ेगा ही, और प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है यहाँ पर कंपनी का जो रिजर्व पैसा होता है जैसे बैलेंस शीट में देखते हैं तो ये देखिए ये भी आपको बढ़ते हुए दिखेगा। एक तो रिजर्व पैसा देखिए कितना बढ़कर 5,776 करोड़ के आसपास हो गया, पहले 4,000 करोड़ के आसपास था। और जो कर्जा होता है, कर्जा इस कंपनी के आसपास कंपनी पर कर्जा है ही नहीं, डेट फ्री कंपनी है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि क्वार्टर फोर का नंबर मायने रखता है, क्वार्टर फोर का नंबर आएगा तो उसमें तो प्रॉफिट और जो कंपनी का सेल्स होता है दोनों बढ़ते हुए आपको दिखेगा। और जब दोनों बढ़ते हुए दिखेगा तो जो इसका प्राइस 10 रुपये और 20 रुपये के बीच में घूम रहा है, ये प्राइस 20 रुपये को ब्रेक करते हुए सीधे ऊपर जाएगा, 20 रुपये के लेवल को भी ब्रेक कर देगा। तो आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है तो अभी आपको इसमें समय देना चाहिए। बाकी कंपनी के काम के बारे में आपको पता है, कंपनी डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराने का काम करती है, तो ये काम भी कंपनी का ठीक है। आने वाले समय में इस तरह के काम का कंपनी का डिमांड बढ़ेगा। यहाँ पर यदि फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल में देखेंगे तकरीबन 3,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है, इतना बड़ी वैल्यूएशन की कंपनी है और अभी एकदम 14 रुपये के आसपास इस कंपनी का शेयर प्राइस है, यानी कि वैल्यूएशन वाइज भी देखेंगे तो मतलब स्टॉक के पी के लिहाज से बात करें तो अभी स्टॉक सस्ता है। लेकिन मैं यहाँ बाय एंड सेल करने की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, जो भी आप कीजिएगा अपने सोच समझ और विचार के अनुसार कीजिएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड देखेंगे तो तकरीबन 20% और 30% के आसपास ये काफ़ी शानदार बात है, यानी कि ये आपके इन्वेस्टमेंट पर साल भर में कुछ ना कुछ कमा कर अच्छा कमा कर देगा। लेकिन इसमें पैसा लगाने से पहले आप अपनी एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा। ओवरऑल मेरे हिसाब से देखें तो ब्राइटकॉम ग्रुप आने वाले समय के लिए एक बेहतरीन स्टॉक हो सकता है। मुझे ये स्टॉक काफ़ी पसंद है, मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक है। उम्मीद करता हूँ ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मन में कोई भी सवाल होगा, कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। और यदि ट्रेडिंग करके रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से तो मैं रिकमेंड करूँगा आप पेम स्टॉक में फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा लीजिए।
इसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।